नमस्कार गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे मोनोटेक इन्फेंट्री चैनल में। आज हम आप सभी लोगों को आज दिखाने जा रहे हैं OBD कनेक्ट पोर्ट से कैसे अपने गाड़ी में फॉल्ट पता करें। तो आपको दोस्तों दिखाएंगे कि कैसे फॉल्ट को पकड़ा जाता है OBD की मदद से। तो OBD आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, हम आपको बता रहे हैं। बॉस टूल होता है OBD को। आइए सबसे पहले हम गाड़ी को चाबी लगा करके और इसको चेक कर लें कि इसमें MI लाइट जल रही है या नहीं जल रही है। तो देखिए, मैंने चेक कर लिया है और अब स्टार्ट करने पर भी MI लाइट जल रहा था। और अब हम OBD कनेक्ट करके इसका जो है फॉल्ट पता करते हैं। तो जैसा कि गाइस आप लोग दिखा रहे हैं, व्हीकल डायग्नोस्टिक दिखा रहा था। CEP कंपेयर में जाने के बाद कंपेयर CNG क्लिक कर देना है और अपडेट के नीचे एक आता है रीड कोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा देर हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद ये वर्किंग बता रहा है कम्युनिकेटिंग विद द व्हीकल, और देखिए आइडल एयर कंट्रोल सर्किट बता रहा है। तो इसमें पीछे हम जा करके आइडल सेंसर के वायर को देखेंगे। देखिए इसमें वायर कटे हुए हैं, इसका मतलब ये वायर हम इसको जो है चेंज करें किस तरीके से बना देंगे। और मार्केट में इस वायर का इस कलर का मतलब प्राइस 350 है। तो आइए देखिए, हम बना दिए हैं इसको, अब अभी भी चल रहा है। अब हम फिर से कोड कनेक्ट DNF टूल को कम्युनिकेट करेंगे और वर्किंग करने के बाद देखिए हम फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। बस थोड़ा सा चेंज ये होता है कि हम फिर से टूल पर जान करके और उस टूल पर डायग्नोस्टिक पर क्लिक करके 2021 मॉडल होता है और कंपेक्ट CNG में जा करके जो भी अपडेट आता है। आप देखिए रीड कोड किया, रीड कोड करने के बाद बहरहाल हमें रीड कोड नहीं करना था, हमने आप लोगों को जानकारी देने के लिए फिर से किया है। और देखिए बता रहे हैं, तो अब हम इसको इरेज करेंगे। तो देखिए इरेज कैसे करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इंटर का एक प्रेस की होता है, प्रेस की करेंगे इंटर का। उसके बाद फिर आप लोग दिखाएंगे कैसे डिलीट किया जाता है, इरेज किया जाता है। और देखिए अभी भी ये MI लाइट ग्लिंग कर रही है, नहीं जल रही है। और देखिए इंटर किया, अभी नीचे हम आ रहे हैं इरेज कोड पर। इरेज कोड करते हैं, फ्रेश करते हैं, फ्रेश करने के बाद फिर से जो है दो बार इंटर करेंगे और कम्युनिकेटिंग विद द व्हीकल बता रहा है, मतलब अपना जो है प्रोसेस कर रहा है, वर्किंग कर रही है ये DNF टूल। थोड़ा देर इसमें वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम लोग जो है इस पर नज़र रखेंगे और उसके बाद जो है जैसे ही अपने आप देखिए दिखा रहा है कमांड सेंट, यानी कोई जीरो आ गया है और अब MI लाइट नहीं जलेगा। अब गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टार्ट कर चुके हैं, अपने आप बंद हो गया है। हेलो गाइस, तो कैसा लगा मेरा इस वीडियो में आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? जैसा भी अच्छा लगा हो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को एक नई जानकारी लेकर के। आप लोग बने रहें मेरे इस चैनल इन्फेंट्री टेक मोनो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।